काफी बता चुका हूं कि यदि उसको हमने किस लिए सिलेक्ट किया है, वो तो वैसे बात क्लियर हो गया। दूसरा सवाल आपने क्या किया था, यार प्रेशर तो खेलते हुए आता था बहुत, अब तो क्या प्रेशर है, आप तो पहले भी खेलना कोई है ऐसा तो। लेकिन मैंने आपको पहले भी यह चीज बताई कि हमारे पास जो फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन है ना, वो अक्सर इंजरीज हैं, अकेली नसीम शाह की इंजरी नहीं है, मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा इंजरीज हैं, और बड़े जो मैचेस हैं उसमें हमने ऐसी कोशिश ये की है कि बॉलर ऐसे हों जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने बड़े बड़े इवेंट खेल रखे हों, ताकि इंडिया में आप वैसे भी हम जाएं तो ज्यादा दूसरी जगहों के नस्बत हमारे पे ज्यादा प्रेशर होता है, तो ऐसा प्लेयर हो जो ये प्रेशर को भी हैंडल कर सकता हो और जिसने बड़े मैचेस में टूर्नामेंट खेले हुए और वहां उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, तो उस बेस को देखते हुए हमने हसन अली को रखा है। इससे पहले जो 25 लड़के भेजते हैं हमें ना, क्योंकि हम इसमें से आईसीसी को वर्ल्ड कप के ना पहले एक महीना पहले उन 25 लड़कों में हमने शाम का नाम भेजा था, और वो ऐसा नहीं है कि अगर 15 महीने तक उससे कंसीडर नहीं कर रहे, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने काउंटी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो सारी जगह पे दी है, लेकिन जो इससे ओपनर है हमारे फखर की तरफ थोड़ा सा नहीं है, लेकिन फखर ऐसा प्लेयर है जिसने जो बड़े इवेंट में उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है, या पिछले काफी अरसे से वो हमारे साथ खेल रहा है तो वो गेम चेंज कर सकते हैं, या इमाम ने अब्दुल्ला शफी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये अच्छे हमें अच्छी बात है कि ये हमारे पास इतने लोग हैं, ताकि इससे हमारी टीम की जो ना परफॉर्मेंस बेहतर होगी, जो लड़के खेलेंगे ना उनको अगर टीम में स्टे करना है तो उनको अपना परफॉर्मेंस का लेवल है ना हाई करना पड़ेगा, तो ये सारे सिलेक्ट नहीं कर सकता। वो दूसरी टीम में उसको नहीं कर सकता है, और ये शदाब और नवाज मिलकर हमने कंटिन्यूटी की है, जो लोग पहले से खेल के आ रहे थे, मैंने कोई आपको पहले जिक्र किया था, कोई आर्ट पिछाड़ करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वर्ल्ड कप का जो सा स्क्वाड है, जो प्लेयर आप प्यार करते हैं ना, उसको आप है ना थोड़े अच्छे तक ना उनको खिलाते हैं, 6 महीने या साल पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, तो फिर आप उनको ना वो टीम बनती है। तो शदाब और नवाज अगर आप पिछले 2 साल से देखें तो ये पाकिस्तान टीम के साथ है ना ओडीआई खेलते हैं, ठीक है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ये भाई पहले भी किया था, मैंने बताया था कि हमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना पाकिस्तान टीम में, बीच में विकेट नहीं ले रहे, बिकॉज ये कि कोई शक नहीं है कि शदाब और नवाज की जो परफॉर्मेंस जिस कैलिबर के ये प्लेयर है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन हमें इन पे कॉन्फिडेंस है कि जी ये बड़े अच्छे से खेल रहे हैं, इन्होंने बीच में परफॉर्मेंस दी भी है, तो इंशाल्लाह ये बड़ा इवेंट है, इसमें हमें उम्मीद है कि ये बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, वरना उसामा मीर की भी ऑप्शन है कि जी जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। और बॉलिंग कोच का ऑप्शन, बॉलिंग कोच का ऑप्शन देना अभी टीम वर्ल्ड कप में जारी है, तो मेरे ख्याल में जो सेटअप बना हुआ है कोचेस का कि वो उसी के साथ अपने खेल रहे हैं, और जो मेरे ख्याल में मॉर्निंग मेरे ख्याल में बॉलिंग कोच है, तो मेरे ख्याल में उसको कंटिन्यू करना चाहिए, कोई स्पिन बॉलिंग कोच की बात करते हैं तो इस चीज को भी हम इस नजर से देखेंगे, पहले भी यानी चीजें हमने की है कि जिसमें मैं पहले चीफ सेलेक्टर था कि जिसने जो प्लेयर्स की पाकिस्तान को टीम की जरूरत होती थी, उस टाइम ओपनर्स की जरूरत थी, या उस टाइम के स्पिनर्स को हम लैग कर रहे थे कि ऑफ स्पिनर नहीं था, तो हम जितने भी लड़के फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस करते थे ऑफ स्पिनर या जिस चीज की भी हमें पाकिस्तान टीम में जरूरत होती थी, हम उनको अपनी अकेडमी में बुलाते थे और अकेडमी में स्पेशलिस्ट कोचेस उनके साथ लगाते थे, ताकि वो उनके साथ काम करें, अच्छे हों और उनको फिर पाकिस्तान टीम में न करें, तो अब भी इस तरह देखेंगे इस चीज को, अगर ये वहां जो भी पाकिस्तान टीम में बॉलिंग कोच की तो वहां भी भेजेंगे स्पिन बॉलिंग कोच को, और अगर इस तरह उस चीज की कमी पूरी कर सकते हैं तो उसको इस तरह करने की कोशिश करेंगे। आमिर को वैसे मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी, दूसरा ये कि सारा को पता है कि आमिर बहुत अच्छा क्रिकेटर था है, और उसने रिटायरमेंट ले ली थी, अगर वो पाकिस्तान से खेलना चाहता है तो जरूर सारों के लिए दरवाजे ओपन है,
अपने फर्स्ट क्लास आके खेलें, वहाँ परफॉर्मेंस देंगे, आपको जरूर कंसिडर किया जाएगा। तो मैंने पहले भी ये कहा कि ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ना ये सिलेक्शन कमेटी या कोई भी किसी के लिए दरवाजे नहीं बंद करता, तो या किसी दूसरा भी हो, जो जो भी लोग हैं और जो भी मेरे से लोग दूसरे भी सवाल करते हैं कि हमारा क्या है, मैंने कहा कि आप फर्स्ट क्लास खेलें, आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको कंसिडर करेंगे, बोर्ड भी कंसिडर करेगा, सिलेक्शन कमेटी भी और ये कोच भी करेगा। ये सिलेक्शन में कप्तान और कोच बैठते हैं, इसके अलावा और कोई कमेटी वगैरह नहीं बैठा, उनका कोई इसमें हिस्सा नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर आपको कर दे पहली बात की। और दूसरी चीज